प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए आज हम हमारे जो पर्यावरण अध्ययन है उसके अंतर्गत परिवेश के बारे में जानते हैं। तो परिवेश क्या है, हमारा पर्यावरण क्या है? तो हमारा परिवेश यानी हमारे आसपास के सभी घटक जो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, वो हमारे पर्यावरण के घटक कहलाते हैं और उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और जो पर्यावरण के घटक हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो जो हमारा हमारी पृथ्वी है उसका जो वायुमंडल है यानी जहाँ पर वायु है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना हुआ है, जलमंडल है जल से बना हुआ है, और हमारी जो वायुमंडल है वह है लगभग चार से आठ मील ऊंचाई तक है, और इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और ये जो क्षोभ मंडल है वही ऐसा मंडल है जिसके अंतर्गत सभी मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो हवाओं का चलना, तूफान का आना, बारिश का आना, सर्दी गर्मी सभी इसी मंडल में होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो क्षोभ मंडल है उसका तापमान घटता जाता है, और यदि हम 165 मीटर की दूरी पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वह है एक डिग्री, औसतन एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है, तो इसी में होता है। जैसे जैसे जो पृथ्वी पर जल वाष्प है, जल है वो वाष्प बन के सूर्य गर्मी से वाष्प बन के ऊपर उठता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो इतना ठंडा हो जाता है कि वह संघनित होकर पानी का रूप धारण कर लेता है, और वही हमारे जो क्षोभ मंडल है उसमें बादलों के रूप में हमें दिखाई देता है, और समय समय पर अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर वह फिर हमारे पृथ्वी पर बारिश के रूप में आ जाता है। एक विद्युत तड़ित या विद्युत जो आकाश में बिजली चमकती है उसके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। वो क्या है, जब बारिश होती है तो उस समय हमारी पृथ्वी से जल वाष्प के रूप में गुप्त ऊष्मा लेकर हमारे जो पर्यावरण है उसमें जाता है ऊपर की ओर, और जब ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर से कुछ बूंदें जो बारिश के रूप में गिर रही होती हैं उनमें भी गुप्त ऊष्मा होती है। तो एक दूसरे आपस में, जैसे नीचे से जाती हुई ऊष्मा उसमें भी ऊष्मा है, ऊपर से जो बारिश हो रही है उसमें भी ऊष्मा है, जब वो एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उस रगड़ने से घर्षण से विद्युत का उत्पादन होता है, और वही चमक हमें दिखाई देती है, और कभी कभी वह हमारी पृथ्वी पर भी आ जाती है, जो जिससे हमें जान माल का भी नुकसान हो जाता है। उसको पृथ्वी पर आने का कोई हमें स्रोत चाहिए, तो इसके लिए हमारे जो परिवेश है उसमें बहुत सारी युक्तियाँ हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनमें विद्युत तड़ित जो चालक हैं वो लगा दिए जाते हैं, उनको पृथ्वी से अर्थ कर दिया जाता है, जिससे जो उन पर यदि अटैक होता है जो आकाशीय बिजली है उसका, तो वो उसमें अर्थ में चली जाती है। हमारी जो पृथ्वी है वह विद्युत का बहुत बड़ा स्रोत है, चाहे कितनी विद्युत हो उसको समाहित कर लेती है। तो जो हमारा पर्यावरण है, अब जो क्षोभ मंडल है उस क्षोभ मंडल के ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल है जो लगभग 50 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें है, और 50 किलोमीटर में जो प्रारंभ का 30 किलोमीटर है वह 30 किलोमीटर समताप है, उसके बाद फिर उसका तापमान बढ़ता रहता है, यानी वहाँ पर टेम्परेचर ठीक रहता है। और जो हमारे प्लेन हैं उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल भी उड़ाए जाते हैं, ताकि तापमान परिवर्तित होने की वजह से उनमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और वहाँ समताप मंडल है, तापमान परिवर्तन नहीं होता, दुर्घटनाओं से बच जाता है। तो ऊपर का जो 30 किलोमीटर एरिया है उसका ताप क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन होती है O3, और वह प्रकाश जो सूर्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती रहती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वो यदि वह पृथ्वी पर आ जाए तो हमें बहुत प्रकार के जो हमारे जैसे त्वचा कैंसर है, बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, तो उससे हमें बचाता है, यानी हमारा एक सुरक्षा कवच है। और जब वो उसको अवशोषित करती रहती हैं पराबैंगनी किरणों को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और उसका जो ऊपर का भाग है उसको हम मध्यमंडल कहते हैं, और सबसे ऊपर के भाग को हम आयन मंडल कहते हैं। जो आयन मंडल है वह बहुत ही उपयोगी है, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ से जो रेडियो तरंगे प्रसारित की जाती हैं वो आयन मंडल से ही वापस आ जाती हैं, और हमें विभिन्न प्रकार के जो प्रसारण हैं वो सुनने को मिलते रहते हैं। तो जो हमारा पर्यावरण परिवेश है उसमें निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के घटक हैं जो हमें अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आज हमने विद्यार्थी छोटा सा पार्ट
पर्यावरण के बारे में जाना, आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।